दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो मैं सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स, उससे है सेशन प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि से। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि फ्रेंड्स रिसेंटली जो है क्वेश्चन पूछा गया। जैसे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन ICAR असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन CRPF SCM 2023 में। तो जैसा कि आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि मैं एक टाइप के जो है 4 से 5 क्वेश्चन ले आता हूँ, जिसमें अब मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट और उसके बाद सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वही मैं आपको सिखाता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 75-60 वीडियो डाल चुका हूं, तो आप लोग सेशन को जरूर देखा करिए फ्रेंड्स। और आपको बेहतर तरीके से जो है प्यार भी दिखाना है, यानी प्यार के रूप में आपको सेशन को लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जबरदस्त तरीके से करना है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, राम ने 3500 रुपए में 2 गाड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को कह रहा है सॉरी घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में ना तो लाभ अर्जित करता है ना ही हानि उठाता है। तो आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। और फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पूरी ईमानदारी से खुद से करना है। क्या आप बना पा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताया करिए। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, उस पर भी जबरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से वीडियोस बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, कह रहा ना तो लाभ अर्जित करता है ना ही हानि। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की कास्ट प्राइस CP कितना है 100, अगर वो 100 रुपए का सामान खरीद के लाता है और 100 में ही बेच देता है, तो इस बात का ध्यान देना इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना उसको कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो यहां जो सबसे बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स वो क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन फ्रेंड्स कैसे लगता है, एलिगेशन कैसे लगता है इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, जब दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड यानी तीसरा डाटा बनता है तो वहां एलिगेशन लगता है, क्लियर है। जैसे एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया है तो इसका मतलब 125, 100 था कास्ट प्राइस हमने, तो यानी पहली घड़ी है तो 125% के लाभ पे बेचा गया, सॉरी 25% का लाभ हुआ यानी 125, दूसरी को 10% के हानि पर बेचा गया यानी कितने बेचा गया फ्रेंड्स, 90 में, यही तो है 10% का नुकसान हुआ। अब कह रहे हैं ना लाभ हो ना हानि हो, तो इसका मतलब 100 का सामान खरीदा तो 100 में ही बेच दिया, तभी तो होगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। यहाँ लगा देंगे एलिगेशन, इनके बीच 100 में से 90 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 10, और 125 में से 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25, क्लियर है। देखिए एक बात का एलिगेशन में और ध्यान देना फ्रेंड्स, इन दोनों का जो सम होता है ना इसी का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ डिफरेंस 35 का है, इनका सम भी आ गया, तो ये एलिगेशन आपको सीखना है विधिवत तरीके से। देखिए 5 × 2 = 10 और 5 × 25 2 × 5 = 5, 2 × 5 = 5 आ गया। मेरा क्वेश्चन में कितना दिया, मेरा टोटल 5 × 2 = 7 आ गया, 2 × 5 = 5 मतलब टोटल 7, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया है 3500, कितना दिया है 3500, 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 7 × 5 = 35 यानी 500 आ गया। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × कितना कर देंगे 500 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1000, 5 × 2 = 10 और 5 से कर देंगे तो फ्रेंड्स × 500 कर देंगे, 5 गुना है तो 5 × 500 कर देंगे तो 2500 यानी 1000 और 2500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आगे की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% के हानि पर बेचने पर पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पेपर में खूब बार बार पूछा गया, इस बात का ध्यान देना। तो ये पहली वस्तु है और ये क्या है, दूसरी है। एक को कह रहा है 15% के लाभ पर बेचता है 115, दूसरे को देखिए 9% के हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब कितने में बेचेगा 91 में। तो ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, 100 में से 91 घटा देंगे यानी 9 आ जाएगा,
यहाँ 115 में से 100 घटा देंगे, कितना जाएगा 15। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, एल निकाल लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, मेरा देखिए 3 अनुपात 5, यानी टोटल कितना आ गया 8, लेकिन क्वेश्चन में कितना आ गया दिया है फ्रेंड्स, 2160 रुपये दिया है। तो एक का निकालेंगे तो देखिए 8 2 16, 8 2 16 और 8 7 56, यही हो जाएगा 270। एक की वैल्यू 270 इंटू 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 × 270 करेंगे, 27 3 81, 810। 810 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अब इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 5 × 270 करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कितना मिल जाएगा, 1350। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है, 1350, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ICER असिस्टेंट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना, इसमें तो बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके पूरी ईमानदारी से करना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक मेज का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 रुपये अधिक है। कह रहा है टेबल को 2250 रुपये में अगर बिकती है तो कुर्सी को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 25% का लाभ होता तो टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया होता। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे एलिगेशन से करने जाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखिए मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले टेबल लिख दीजिए और इधर क्या लिख दीजिए, चेयर लिख दीजिए, यही है मेज और क्या है, कुर्सी है। कह रहा है आपसे मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 अधिक है, अगर ये यक्स है तो ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 750 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो टेबल को कह रहा है फ्रेंड्स 2250 में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है, 2250 में बेचा जाता है। तो कह रहा है कुर्सी को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। जो नीचे होता है ये मेन वैल्यू होता है, इस बात का ध्यान देना, हानि हो रहा है तो इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 3/4, यही है। तो इसका मतलब जो यहां पर हो जा रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3x/4 में बेचा जा रहा है, यही है। तो ओवरऑल मिला के कह रहा फ्रेंड्स 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है, तो देखिए इन दोनों को मिला के 25% का लाभ हो रहा है फ्रेंड। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 5/4, 4 का समान 5 में बेचा जाएगा। तो फ्रेंड तभी जो है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, तो 4 का ही 25% 1 होता है यानी 5, तो 5/ कितना हो जाएगा, 4, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, टोटल अगर सीपी को हम ऐड कर दें इज इक्वल और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, 5/4 के आ जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको हम अपान में लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं, अपान में। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे आप लोग, अब देखिए इसको पूरा जोड़ देते हैं, अगर सीपी तो कितना हो जाएगा, 2x + 750 आ जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2250 और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 3x, y कितना है 4 इज इक्वल 5/4 है, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बात का ध्यान देना। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा ये आपका सीपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो सीपी को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आप एक काम करिए, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको 4/5 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फ्रेंड, 4/5, ताकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, क्लियर है। क्या कर देंगे, 4/5, क्योंकि सीपी और एसपी के रूप में लिखना है, तो इसको भी फ्रेंड 4/5 बना लीजिए, 4/5, यही है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 × 2 तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x प्लस 750 × 5 करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 750 5। तो अब देखिए 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 × 25 की 5 कितना आ गया, 2 × 5 = 35 × 2 = 37 प्लस 3750 इज इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे 2250 × 4 कर देंगे तो फ्रेंड देखिए 225 दूना कितना होता है, 450, यानी कितना हो जाएगा, 900, यानी कितना हो जाएगा, 9000, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9000 गुणा करेंगे और ये ऊपर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 10, देखिए 3x को इधर लाएंगे तो कितना, 10 3x को लाएंगे, 10x से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, 7x इज इक्वल, 9000 से 3750 घटा देंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना जाएगा, 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया, 9,
कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ध्यान देना, यहाँ से नौ, नौ में से सात जाएगा, कितना हो जाएगा दो, और आठ में से तीन गया, यहाँ आठ बचा, आठ में से तीन गया पाँच, सात से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, सत सत्ता उनचास, सात पचे पैंतीस, यक्स बराबर कितना आ गया 750, 750 यक्स बराबर रख देंगे, तो सीपी देखिए यहाँ पे 750 ये हो गया, क्लियर है। तो इसका मतलब ये टेबल कितना हो जाएगा 1500, टेबल कितना हो जाएगा इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, टेबल 1500 का हो जाएगा, तो 1500 2250 कितना ज़्यादा है, तो 750 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स 750 ज़्यादा है, कितने में ज़्यादा है 1500 में, और इनटू क्या कर देंगे 100, इनटू 100 कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से काटेंगे 15 पचे 75, यानी कितना आ गया 50, कितना आ गया 50% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे आप लोग पेपर में करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सीआरपीएफ एससीएम में आया हुआ है 2023 में, तो पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप लोगों को फ्रेंड्स पूरी ईमानदारी से करना है, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आ गई हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।